वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल जीएसबी बिना एजुकेशन फॉर यू में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो कि वाटर सैंपलिंग में एक बहुत ही आईएमपी पैरामीटर है और बहुत ही अहम पैरामीटर है जिससे कि हम वाटर की क्वालिटी का पता लगा सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स इन्वायरमेंटल साइंस स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री ऑफ वाटर पे रिसर्च कर रहे हैं, और भी जो लोग इस फील्ड में हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर सैंपल। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे पहले क्या है इसको समझेंगे और ये किस किस पे डिपेंड करती है। सो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज ए मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ वाटर टू कंडक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सबसे पहले ये क्या है कि वाटर में से कितना इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है उसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, और ये डिपेंड करती है किस किस चीज़ पे। फर्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, हायर कंसंट्रेशन हायर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। वाटर में जितने भी आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड करेगी, और जी हाँ, जितने ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। नाउ नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशंस पे भी ये डिपेंड करती है, और जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता है कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे जो बहुत सारे आयंस के जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और आयोनाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है जिससे कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। नाउ अनदर वन इज स्पेसिफिक नेचर ऑफ आयंस। हायर स्पेसिफिक एबिलिटी एंड हायर द वैलेंसीज इंक्रीज द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अब ऐसे आयंस जिनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्षमता ज़्यादा होती है, अगर वो पानी में ज़्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। सो दीज आर द थ्री पैरामीटर्स दैट डिसाइड द वैल्यू ऑफ ईसी इन वाटर सैंपल। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द ईसी मेजरमेंट। हम ईसी को कैसे करते हैं, नापते हैं? तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी चेंजेस विद स्ट्रॉन्ग स्टोरेज टाइम एंड टेम्परेचर। आप अगर वाटर लेते हो और उसको रख देते हो तो ये टाइम एंड टेम्परेचर से बदल जाती है, इसीलिए द मेजरमेंट शुड देयर फॉर बी मेड इन सीटू। इन सीटू का मीन्स ऑन द साइट। आप जैसे ही जिस साइट से वाटर कलेक्शन करते हैं आपको उसी साइट पे उस टाइम आप उसका तुरंत विदिन है, और अगर आप उसकी कंडक्टिविटी ले लेते हैं तो ठीक है, और आप डायरेक्ट फील्ड पे जाकर सैंपलिंग के टाइम पे भी कंडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। सो सिंस ईच आयन हैज इट्स ऑन स्पेसिफिक एबिलिटी टू कंडक्ट करेंट, सो ईसी इज ओनली एन एस्टिमेट ऑफ टोटल आयन कंसंट्रेशन। क्योंकि जितने आयन्स हैं आप इससे कोई पर्टिकुलर आयन्स के बारे में जानकारी नहीं लगा सकते हैं। इसमें जितने भी आयन्स होते हैं उनका टोटल इन ऑल जितना कंडक्टेंस हो रहा है उसका ही हमें इसी से पता चलता है। आप एक एक आयन्स के बारे में जानकारी से नहीं लगा सकते, क्योंकि हर एक आयन्स की एक एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने का। सो इसी इज जस्ट ए टोटल एस्टिमेट ऑफ एन कंसंट्रेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट ऑफ ईसी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की जो इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट डिसाइड की गई है वो साइमन्स है। इसको पहले बोलते थे महो भी बोलते थे, और जो साइमन्स होती है वो रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टेंस के। किसी भी कंडक्टेंस में जो भी बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है उसका अगर हम रेसिप्रोकल निकालते हैं तो वो साइमन्स होता है, उसी को इंटरनेशनल यूनिट माना गया है। इसको पहले महो बोलते थे। नाउ इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज़ किया जाता है ईसी को निकालने के लिए उसको जनरली हम कंडक्टिविटी मीटर बोलते हैं। इसकी कंडक्टिविटी मीटर के दो पार्ट होते हैं, एक तो कंडक्टिविटी सेल होता है और एक मीटर होता है। कंडक्टिविटी सेल में क्या होता है, कंडक्टिविटी सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि जनरली प्लेटिनम्स की प्लेट के बने होते हैं, और वो एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रहते हैं, और जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनकी एक साइज भी पर्टिकुलर बनाई गई होती है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स एक केबल के द्वारा मीटर से जुड़े हुए होते हैं।
सो दिस इज अबाउट द इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या है? फर्स्ट इट्स अ कंडक्टिविटी सेल. सेल कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड प्लेट दैट इज मेड अप ऑफ प्लेटिनम एंड इट इज अटैच्ड फ्रॉम द वायर टू द मीटर. नाउ द टर्म सेल कॉन्स्टेंट, ये टर्म सबसे ज्यादा यूज होता है जब भी आप कंडक्टिविटी मेजरमेंट करते हैं, तो सेल कॉन्स्टेंट वर्ड है ये सबसे ज्यादा यूज होता है और इसको समझना बहुत जरूरी होता है. सो इसको समझने के लिए आप एक जस्ट इमेजिन करेंगे कि एक डिजाइन ऑफ प्लेट्स इन द कंडक्टिविटी सेल, उसका जो एक डिजाइन आप ऐसा मन में उसको इमेज करिए कि कंडक्टिविटी सेल में एक प्लेट है और उसकी जो साइज है, शेप है और पोजीशन है, इनको अगर हम डिसाइड करते हैं तो उसी के बेसिस पे हम उसका सेल कांस्टेंट को डिसाइड करते हैं. और इसकी जो वैल्यू है वो जनरली 0.1 से 2 के बीच में होती है. अब आपको ऐसे माइंड में एज्यूम करना है कि दो प्लेट्स हैं जो कि डिप्ड हैं किसी लिक्विड में, ठीक है. और ये प्लेट किसकी बनी हुई है, आपको मैंने पहले ही बताया कि ये प्लेटिनम की बनी हुई है, ठीक है. और इनकी जो साइज है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है. उसकी जो डायमेंशन है, उसकी जो पूरी तरीके से डायमेंशन है वो 1 सेंटीमीटर है. उसकी हाइट है, लेंथ और ब्रेथ सब 1 सेंटीमीटर है. तो इसका जो रेशो आएगा एल अपॉन ए, एरिया उनके बीच, उनका जो प्लेट्स का एरिया वो, और लेंथ उन दोनों के बीच की जो लेंथ है, ठीक है, जो डिप्ड प्लेट्स हैं उनके बीच का जो लेंथ है और जो एरिया है प्लेट्स का, उन दोनों का जो रेशो होता है उसी को हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है. तो द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंडक्टिविटी. अब हम क्या करते हैं, इसकी जो वैल्यू हम सेल कांस्टेंट की कैसे निकालते हैं, एक नॉन कंडक्टिविटी का सॉल्यूशन रहते हैं उसको डिप करते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेल कांस्टेंट, इलेक्ट्रोड वाला सेल कांस्टेंट, और उसमें जो रेजिस्टेंस पैदा होता है उससे हम सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं. एक बार फिर से सुन लीजिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इलेक्ट्रोड जिसमें हो और जिसकी दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो, उस वाले इलेक्ट्रोड को हम किसी नॉन कंसंट्रेशन नॉन कंडक्टिविटी वाले सॉल्यूशन में डिप करेंगे और उसमें जो रेजिस्टेंस पैदा होगा उसको हम सेल कांस्टेंट उसके बेसिस पे ही उसका जो सेल है उसका डिसाइड करेंगे सेल कांस्टेंट. सो दिस इज अबाउट सेल कांस्टेंट. नाउ इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर. कंडक्टिविटी इज हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट. इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टिविटी इंक्रीज विद टेम्परेचर एट ए रेट ऑफ 0.019 मिलीसीमेंस पर मीटर पर सेंटीमीटर पर सेंटीग्रेड. सो हर डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर अगर KCl का सॉल्यूशन 0.01 मोलर कंसंट्रेशन का KCl का सॉल्यूशन है तो हर डिग्री पे उसकी कंडक्टिविटी 0.019 माइक्रोसाइमंस इंक्रीज होगी, ठीक है. सो इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है कि एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी 0.019 माइक्रोसाइमंस इंक्रीज होती है. अब कंडक्टिविटी फैक्टर ऑफ डिफरेंट आयंस क्या होता है. हर एक आयंस का अपना एक एबिलिटी होती है करंट पास करने की. सो उसके बेसिस पे ही ये कंडक्टिविटी फैक्टर डिफाइन किए गए हैं. सो ये जो करंट होता है वो कैटायन और एनायंस दोनों से इन्फ्लुएंस्ड होता है. सो जो डाइवेलेंट कैटायंस होते हैं उनका जो कंडक्टिविटी हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द मोनोवेलेंट कैटायंस के. एनायंस के केस में ऐसा नहीं होता है. सो ये एक लिस्ट दी है जिसमें आप कैटायंस और उनकी कंडक्टिविटी फैक्टर्स को देख रहे हैं. ये कंडक्टिविटी फैक्टर्स को आप अगर हम इंडिविजुअल कंडक्टिविटी से मल्टीप्लाई करते हैं सो हमारे पास टोटल कंडक्टिविटी उसकी
कोई भी आयंस की आ जाती है। नाउ जो रिलेशन है इसका TDS टोटल डिजॉल्व सॉल्वेंट से, ये काफी बार पूछा जाता है और बहुत ही जरूरी चीज है कि TDS और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशनशिप होती है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन TDS एंड EC इज ऑफन डिस्क्राइब बाई ए कॉन्स्टेंट दैट वेराइज अकॉर्डिंग द केमिकल कंपोजिशन। अब अगर TDS और EC में हमें रिलेशन निकालना है तो एक कॉन्स्टेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं और इस कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू होती है ये उस सॉल्यूशन में का जो नंबर ऑफ उसमें आयंस और उसके टाइप्स ऑफ आयंस क्या क्या उसमें आयंस है उस पर डिपेंड करता है। सो जनरली एक इसका बेसिक फॉर्मूला सेट किया गया है TDS इक्वल टू A इंटू EC। यहाँ पे A क्या है, A इज इन द रेंज ऑफ 0.55 to 0.9, ये कॉन्स्टेंट है। ये हाई होता है अगर इसमें क्लोराइड रिच वाटर हो तो ये ज़्यादा होगा और सल्फेट रिच वाटर हो तो कम होगा। सो ये 0.55 to 0.9 के बीच में वेरी करता है और इसका जो वैल्यू मैंने बताया जैसा कि क्लोराइड रिच वाटर के लिए कम होगा और क्लोराइड रिच वाटर के लिए ज़्यादा होगा और सल्फेट रिच वाटर के लिए कम होगा। सो TDS का अगर कोई का सैंपल का TDS 824.9 ppm है और उसकी EC की वैल्यू 1 to 85.8 microsiemens है, सो उसकी हम जो फैक्टर है वो निकालने के लिए फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, जिससे कि A की वैल्यू 0.64 जो कि 0.55 और 0.9 के बीच लाई कर रही है। तो इस तरीके से हम किसी भी सॉल्यूशन का अगर हमें EC पता हो तो हम TDS निकाल सकते हैं, TDS पता हो तो EC निकाल सकते हैं और ये हमें एक जो इस रेंज में कोई भी एक कांस्टेंट की वैल्यू हमें डिसाइड करनी होती है और ये वैल्यू हम डिसाइड करते हैं उसमें नंबर ऑफ आयंस को एस्टिमेट करके। अगर क्लोराइड रिच वाटर है तो उसमें हम ये कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा ले लेते हैं और सल्फेट रिच वाटर है तो उसमें हम कम ले लेते हैं। सो इस तरीके से हम ये वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। अदरवाइज ये वैल्यू हम TDS और EC को इंडिविजुअल निकाल कर ये वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम ये वैल्यू को डिसाइड करते हैं और TDS और कंडक्टिविटी में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। सो दोस्तों ये EC के बारे में था। तो दोस्तों EC के बारे में जो मैंने था ये सब डिस्क्राइब किया है। अगले में पैरामीटर और भी वाटर से रिलेटेड BOD COD भी अपने इस चैनल में डिस्क्राइब कर चुका हूँ और धीरे धीरे मैं और भी पैरामीटर्स वाटर से रिलेटेड और एयर से रिलेटेड और सॉयल से रिलेटेड जो भी पैरामीटर हैं और पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं मैं धीरे धीरे डालता जा रहा हूँ। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके आगामी UGC नेट और भी जितने एग्ज़ाम हैं गेट एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड और केमिस्ट्री से रिलेटेड उसमें आपको हेल्पफुल होगा। सो सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू।